माली सेनी महासभा की आज साधारण बैठक माल्यान धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक में समाज को अग्रणी बनाने पर जोर देने के साथ ही नए सदस्यों को जोड़ने को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं हाल ही में हुए चुनाव के बाद ये पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर आने वाले वर्ष के कार्यों को लेकर चर्चा की गई, जिससे कि समाज के लोगों को और आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही सावन के इस महीने में स्नेह मिलन के साथ ही भोज प्रसादी का आयोजन भी किया गया। देखिए, ये माल्यान धर्मशाला आज वर्षों से यहाँ कार्यरत है, समाज के काम में सहयोग रहता है। 3 साल में यहाँ के चुनाव होते हैं, तो इस साल चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। नए अध्यक्ष सचिव कार्यकारिणी पूरी नई बनी है और उसकी पहली जो जनरल हाउस है वो आयोजित किया जा रहा है आज। उसमें जनरल हाउस में सारी बातें, समस्याएं क्या हैं, उसके समाधान क्या हैं। एक नई धर्मशाला भी है ना, जनरल हॉस्पिटल रोड पे निर्माणाधीन है, तो उस पर आगे क्या प्रगति उसमें हो सकती है, तो इन सब विषयों के ऊपर चर्चाएं भी हो जाएंगी। एक 3 साल में, क्योंकि है ना 3 साल में चुनाव होते हैं, तो चुनाव के बाद पहली आम सभा ये हर साल होती है। तो यहाँ भोजन प्रसादी वगैरह और ये सारा कार्यक्रम रखा है। सब बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, युवा सारे समाज के इकट्ठे हो जाते हैं कार्यकारिणी में। कम से कम 1500-2000 करीब लोग हैं और मेंबर अब नए आगे सदस्य बनाने के लिए भी इसमें ना वो प्रयासरत भी हैं। वो भी कार्यक्रम चल रहा है, उसकी सदस्यता अभियान भी चल रहा है पूरे अजमेर शहर के अंदर। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं जिनके ऊपर चर्चा और सामाजिक एक दूसरे से मिलना हो जाए, ये सब चीज़ें इसका मेन उद्देश्य है।